एंड जो आया नीचे लिखा हुआ कि दैट सनराइज हैदराबाद 1/10 विकेट्स, ये कमाल की बात है। मतलब आज सनराइज ने बहुत रिकॉर्ड्स बनाए हैं, 6 ओवर्स के ऊपर उन्होंने 107 कर लिया है। आपने अभिषेक शर्मा की बात की तो मेरे ख्याल में इसका जो जगह थी वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी बन रही थी, अनफॉर्चुनेटली इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आज के मैच की बात करेंगे, सनराइज हैदराबाद ने हरा दिया LSG को, व्हाट अ परफॉर्मेंस। अभिषेक की बात की जाए 75, ट्रैविस हेड की बात की जाए 98 करके गए हैं, व्हाट अ परफॉर्मेंस। दो बंदों ने खड़े होकर मैच खत्म कर दिया। देखिए आपने सुना तो होगा, लोग कहते थे कि 1 मैन आर्मी, लेकिन यहाँ पर 2 मैन आर्मी आपको दिखाई दिया है और 10 विकेटे, ओ माय गॉड, एक भी आउट नहीं हुआ। एंड जो आया नीचे लिखा हुआ कि दैट सनराइज हैदराबाद 1/10 विकेट्स, ये कमाल की बात है। मतलब आज सनराइज ने बहुत रिकॉर्ड्स बनाए हैं, 6 ओवर्स के ऊपर उन्होंने 107 कर लिया है। आपने अभिषेक शर्मा की बात की तो मेरे ख्याल में इसका जो जगह थी वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी बन रही थी, अनफॉर्चुनेटली इनको वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। बिश्नोई को जितना मारा इतना मारा, वो बेचारा भूल गया होगा कि भाई मैं बॉलर हूँ, मैं बैट्समैन हूँ, मैं क्या हूँ। तो मतलब आज लखनऊ को जितना पिटाई हो चुकी है, जितना कुट्टा है पकड़ के कहेंगे ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने, वो कमाल की बात है। ये वही टीम है जिसने 7 ओवर्स में 125 भी किया हुआ, ये वही टीम है जिसने 107 भी किया हुआ 6 ओवर्स के ऊपर। मतलब आज पूरे का पूरा मैच 9-10 ओवर्स के दरमियान आपको खत्म होता हुआ दिखाई दिया। तो मेरे ख्याल में सनराइज हैदराबाद रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रही है, और मेरे ख्याल में जो ट्रॉफी है वो भी सनराइज हैदराबाद चाह रही है कि मैं इसको लिफ्ट करूँ इस बार। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो आज कुमार 2 विकेटें लेके गए हैं, सनराइज जो है वो डोमिनेट करती नजर आई है बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। देखिए ना उन्होंने उनको स्कोर 200 तक जाने दिया है, 165 किया है, और कहले के ना उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि चेज भी इतने कमाल वाले तरीके से किया है, मतलब 167 इतने कमाल का कहले कि उन्होंने परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल में पैट कमिंस लोग कह रहे थे कि पैट कमिंस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन जब शेर दोबारा मैदान में आया तो शेर को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि टॉप 4 में ऑलरेडी आपको जो सनराइज हैदराबाद है वो नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में जब चेन्नई और सनराइज का आपस में मुकाबला होगा, ये चीज मजे वाली है। इन्होंने ये चीज साबित किया कि हम ही टॉप स्कोरर थे, हमने ही सबसे ज्यादा जो है। एग्जैक्टली सनराइज हैदराबाद आप देख लें, जब से IPL स्टार्ट हुआ 2024 रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बने, टॉप स्कोर बनाया 277 का कह लेंगे, 278 था, फिर 288 का बना डाला, फिर 266 का बना दिया। ये बड़ी कमाल की बात चल रही है। मतलब पैट कमिंस बहुत अच्छे जबरदस्त कप्तान साबित हो रहे हैं, और वो सिर्फ कहते हैं कि बातें नहीं करते बल्कि एक्शन भी करके दिखाते हैं, पूरा भी करते हैं। ये ले जाएंगे ट्रॉफी IPL 2024 100% श्योर, ये ट्रॉफी लाजमी लिफ्ट करेंगे इस बार। थैंक यू। वालेकुम सलाम। आज के मैच की बात करेंगे, हैदराबाद सनराइज ने हरा दिया LSG को, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, दो बंदे ने खड़े होके मैदान मार लिया, व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई साहब। 58 बॉल पे 167 रन, मैं कहता हूँ कि आज LSG के वहां वहां से धुआं निकला जहां से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और भाई इतना कौन मारता है यार, क्या क्या खा के आ गए थे आज। मतलब के अभिषेक की बात करें, 6 छक्के 8 चौके, और ट्रैविस हेड यार वो तो अभिमानस बन गया, वो तो बंदों को निकल रहा है सीधा, 8 छक्के 8 चौके यार, 30 बॉल पे 89 रन भाई साहब। वर्ल्ड कप में क्या होने जा रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम तो किसी को नहीं छोड़ेगी, और इंडिया भी कम नहीं है। और अब इंडिया पछता रहा होगा मैं अभिषेक को क्यों नहीं लेके गया। चलें बात आज के मैच पे कर लेते हैं। और यार कोई बॉलर नहीं बच रहा जो आ रहा है, 25 से नीचे रन ही किसी को नहीं लग रहे, बाउंड्री तो मजाक बनी हुई है, 104 मीटर के छक्के लग रहे हैं यार। यकीन करें कि मोस्ट एंटरटेनिंग मैच मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने बड़ी क्रिकेट देखी लेकिन ऐसा मैच नहीं देखा। सनराइज ने यह बात साबित किया कि हम ही टॉप स्कोरर थे और हम ही सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं IPL का बाप बन गए हैं। सनराइज बेशक 3-4 मैच हार गए हैं, उस दिन 6 ओवर में 125, आज 6 ओवर में 107 रन। यार कोई एक्सपेक्ट करता है, अकल में आती है ये बात कि 6 ओवर में 107 रन आप मार रहे हो और हर बॉलर को मार रहे हो यार। 10 विकेट से मैच जीत के तारीख भी रकम कर दी, हिस्ट्री बना दी, सारा आज तक नहीं जीता था, इस दफा जीत गया भाई। पैट कमिंस जो है ना बहुत डेंजरस कैप्टन है, पैट कमिंस जैसा कैप्टन आपको नहीं मिलेगा। उसने IPL से शुरू में कहा था कि मैं IPL की ट्रॉफी लेके जाऊंगा, और भाई वो लेके जाएगा जैसे वो मार रहा है। ओवरऑल अगर बात की जाए, ट्रैविस 38 बॉलों के ऊपर 89, अभिषेक शर्मा की बात करें वो भी 75 करके गए हैं, कुमार की बात करें 2 विकेटें भी ली हैं, 4 टोटल विकेटें ली गई LSG की। आपको क्या लगता है कि मुश्किल हो गया काफी LSG का? सर देखें आज LSG की बात भी नहीं करेंगे, बॉलिंग की भी नहीं करेंगे, आज तो गब्बर वाला डायलॉग है, कितने आदमी थे और दो आदमी थे, और जैसे उधर अमिताभ और एक पता नहीं कौन सा एक्टर था उसने मारा, आज वो गैंगस्टर बन के IPL में उतर आए थे, और आज इस तरीके से उन्होंने मारा। यार इंडिया की जो पब्लिक है ना वो बड़ी लकी पब्लिक है, और उनको ऐसे मैच देखने को मिलता लाइव बैठ के उनके ग्राउंड में, स्टेडियम में छक्के इतने लग रहे हैं, वो यार हम तरस जाते हैं, 20 ओवर में हमारे से पूरे 6 छक्के नहीं लगते दोनों साइड से, और इधर एक बंदा 25 बॉलों में 6 छक्के मार रहा है, एक बंदा 30 बॉलों में 8 छक्के मार रहा है। यार ऐसी क्रिकेट कहाँ होती है, कहीं कभी हमारे सामने भी करवाओ, हमें भी मौका दो देखने का, हम भी इंजॉय करें। हम तो तरस जाते हैं कि यार छक्का हमारी आवाम तक आएगा भाई साहब, जो आज मैच हो गया ना इससे बड़ा मैच IPL में दोबारा नहीं होगा। वालेकुम सलाम। आज के मैच की बात करेंगे, हैदराबाद सनराइज ने LSG को ऐसी हार दी है कि जो आज तक हमने IPL की हिस्ट्री के अंदर नहीं देखी। दो बंदों
ने खड़े होकर सारा मैच खत्म कर दिया। अभिषेक शर्मा 75, ट्रेविस हेड 89, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय हैदराबाद सनराइज, 10 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया, कैसी लगी परफॉर्मेंस? भाई आउटस्टैंड, मेरे पास अल्फाज कम है, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं कहना चाहूँगा फंटास्टिक। जिस तरह की आज उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली है भाई, ये T20 वर्ल्ड कप में तहलका मचा देने वाली, एक आगे जो आने वाला टाइम है वो इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। IPL में इतनी ज़बरदस्त इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, आप देखें ट्रेविस हेड की बात करें और भाई उसने चांदी बॉलों पे 8 छक्के 8 चौके, ठीक है 8 छक्के और 8 चौकों की मदद से जनाब 89 रन, भाई बड़ी सिर्फ 30 बॉलों के ऊपर, सिर्फ 30 बॉलों पर आप ये अंदाजा लें। और अभी शेख की बात करें 75 और भाई सलूट है, बगैर किसी विकेट के नुकसान पे इतना मतलब इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेली है कि भाई जो आज LSB थी ना वो तो बस रोती हुई गई है कि हमारे साथ तो आज बहुत बुरा हुआ है। देखिए LSB को तो कुछ समझ ही नहीं आई जिस तरीके से, आप देखें 9 पॉइंट कुछ आवरों के अंदर 10 ओवर भी उन्हें नहीं दिए और सारी टीम को एक साइड पे स्कोर करके हरा दिया। भाई आज उनकी जो बॉलिंग थी वो फ्लॉप नजर आई LSB को, शॉक्ड है कि भाई हुआ क्या है ऐसा, आज ने भाई इतना मारा है कि 10 ओवर में मैच खत्म। देखिए 10 ओवर भी पूरे नहीं खेले, अभी 2 बॉले पड़ी थी। मैं आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि यार उन्होंने 20 ओवर में इतना स्कोर बनाया, इन्होंने 10 ओवर में बनाया। इनका स्ट्राइक रेट देखें आप भाई, छा गए हैं। मैं कहता हूँ ये जो चैंपियन ट्रॉफी है ना, जो इस टाइम IPL ट्रॉफी है, ये उठा के लेके जा रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए, कुमार ने आज 2 विकेटें ले ली हैं सनराइज की तरफ से, बट वैसे 4 आउट कर दिए इन्होंने उनको, 4 इतना ज़्यादा स्कोर भी नहीं करने दिया, 160 कुछ करने दिया और ओवरऑल मैच भी अपने नाम कर लिया। बट आज हैदराबाद सनराइज ने बात साबित किया कि हम ही सबसे ज़्यादा टारगेट देने वाला और सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली टीम IPL की हम। और भाई 167 कोई स्कोर होता है आप बताएं, लेकिन फिर भी देखें पूरे 20 ओवर में अगर अगली दूसरी किसी टीम को देखा है तो वो नहीं डिफेंड कर पाती थी, मतलब वो इतना स्कोर नहीं चेस कर पाती थी। लेकिन आज अगर हम आज बात करें ना तो भाई SRH ने जो काम किया है कमाल कर दिया और भाई धूम मचा दी है IPL की। मैं कहता हूँ शायद हाइप ही आज बनी है, इससे पहले हाइप कोई नहीं थी। थैंक यू सर।